हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद एग्रीकल्चर कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 17 मई 2019 को BHU एंट्रेंस एग्जाम PCM ऑनर्स का आंसर की। मेरे पास में पेपर सेट 3 है, आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिलान कर लीजिए कौन से क्वेश्चन का आपका कौन सा आंसर सही है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपका जो है सही हो रहे हैं, और स्कोर जरूर शेयर करें हमसे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले पेपर फिजिक्स में हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एक आवेश QR त्रिज्या, इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर फर्स्ट है फिजिक्स में नंबर 1, इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन संख्या 2 जो है हमारे पास में, इसमें हम लोग देख रहे हैं जो 2 है इसका आंसर आपका 2 सही है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन संख्या हमारे पास में 3 जो है, एक धातु की मोटी पट्टी, इसका जो आंसर है मेरे पास में वो 2 सही है, दूसरा आंसर मोर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 4, इसका आंसर है 3 सही, एन स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 5 है, 5 में जो आंसर है आपका मोर करेक्ट वो 3 है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या आपके पास में जो 6वां क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा 2 सही। 7वां क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है 2 सही, 2। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 8 जो है, 8 में जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए सही होगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन में आंसर ए, इसके बाद 10th क्वेश्चन नंबर में आंसर ए सही है, और इसके बाद में 11वें का है 4th सही, 4। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आंसर 0 होगा, 4th विकल्प सही है। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन नंबर जो है 13th, इसमें आंसर होगा 10 डिग्री, पहला सही है। 14वां क्वेश्चन नंबर है डायनमो, यानी इसमें 3rd सही है। 15वां क्वेश्चन है 0, पहला विकल्प सही है, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 16 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे रेडियो वेव, दूसरा सही है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या हमारा 17th, इसमें सही है आंसर 3rd इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 18 क्वेश्चन नंबर में 2nd विकल्प सही है। 19 क्वेश्चन नंबर में 4 सही है, डिसअपियर गायब हो जाएगी। इसके बाद में 20 क्वेश्चन नंबर जो है, 20 क्वेश्चन नंबर आंसर होगा मिल्कन 4 सही है, 20 क्वेश्चन नंबर में आंसर जो होगा। इसके बाद में 21 क्वेश्चन नंबर जो है, 21 क्वेश्चन नंबर में जो आंसर है वो आपका है 4th सही, 4। ठीक, इसके बाद में 22 का क्वेश्चन जो आंसर होगा वो पहला सही होगा, यानी फर्स्ट सही है। ठीक, इसके बाद में 23 क्वेश्चन नंबर जो है, इसका आंसर होगा 3rd सही, 3rd। 24 क्वेश्चन नंबर का आंसर है 2nd सही। इसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा 3rd सही, 132। इसके बाद में 26 क्वेश्चन नंबर जो है, इसका आंसर होगा आपका 2nd सही, 2। इसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर है, 27 का आंसर होगा 3rd। इसके बाद 28वां क्वेश्चन जो है, उसका आंसर है 1st। 29 29 क्वेश्चन नंबर का है पहला। इसके बाद 30 क्वेश्चन नंबर जो है, इसका आंसर होगा 4th। इसके बाद 31 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा 3rd। 32 का है पहला सही, 32 का। इसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर है, आंसर होगा 4th सही इसका। इसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर आया, 34, इसका आंसर होगा मोर करेक्ट 3rd सही। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 35 का आंसर होगा 4th सही। इसके बाद 36 क्वेश्चन जो है, इसका आंसर है 4th सही, LY4। 37 का आंसर है 3rd। इसके बाद 38 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है 2nd सही, और 39 क्वेश्चन नंबर है, 4th आंसर होगा इसमें। इसके बाद 40 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा फॉल्स, नीचे गिरेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41
तीसरा सही है। इसके बाद 42 थर्ड सही है। इसके बाद में 43 क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर है पहला सही, और 44 क्वेश्चन का आंसर होगा पहला सही 44। और इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 45 जो है इसका आंसर चौथा सही है 7/2। 46 में क्वेश्चन जो है आपका टेम्परेचर चौथा सही है। इसके बाद 47 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपका सही है पहला, ठीक है, एंथैल्पी। इसके बाद 48 क्वेश्चन है इसका आंसर सही होगा आपका फर्स्ट। इसके बाद 49 क्वेश्चन नंबर है इसमें आंसर होगा आपका थर्ड, 2×10^10। इसके बाद 50 क्वेश्चन नंबर है लास्ट फिजिक्स का, इसमें आंसर है आपका सेकंड। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं फिजिक्स में, पूरा सेट आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। कोई डाउट हो हमें कमेंट जरूर करिएगा फिजिक्स में। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन, सेकंड जो हमारा सेक्शन है केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान, हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें 51 का आंसर होगा पहला सही 9। इसमें कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन का योग पूछ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो आंसर 6 होता, लेकिन कह रहा है उसका टोटल योग क्या होगा, तो आंसर होगा 9, पहला सही है। 52 आंसर जो है इसमें होगा आपका दूसरा सही, K3Al6 ये सॉल्वेबल होता है। इसके बाद में आंसर आपका 53 क्वेश्चन जो है, ये रिपीट क्वेश्चन है, नीट में CPMT हर कहीं पूछा गया है, क्लास क्वेश्चन है ये। इसमें आंसर होगा आपका दूसरा सही। 54 क्वेश्चन नंबर है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आ चुका कई बार, 54 का पहला सही है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या जो आपकी 55 है, 55 में मोर करेक्ट आंसर होगा इसका जो है तीसरा सही। यहाँ पर मिस्टेक है एक आपका, आप लोग ग्रुप पढ़े होंगे जीरो ग्रुप, ठीक है, उसमें ये कंपाउंड सॉलिड होता है HCF6, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये वाटर के साथ में एक्वा सोल्यूशन जब डिजोल्व करते हैं तो ये बनाएगा HEF5+1, और यहाँ पर बनाएगा HF2-। यहाँ पर आपका विकल्प में मिस्टेक है थोड़ा सा, ये यहाँ पर X नहीं है, H है, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें थर्ड सही। आप किताब में देखिएगा, आपको बुक में मिलेगा जीरो ग्रुप में, ठीक। इसके बाद 56 क्वेश्चन नंबर है, आंसर होगा इसमें किसमें नहीं होगा, तो H2H2O5, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन संख्या हमारे पास 57 है, आंसर होगा 0, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद में 58 क्वेश्चन है, आंसर होगा इसमें बोरान ट्राईफ्लोराइड, डायमराज नहीं करेगा। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 59, इसमें होगा फॉस्फीनिक एसिड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं H3PO2 फॉस्फीनिक, और इसी को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इसके बाद में क्वेश्चन संख्या हमारे पास है 60, 60 में जो आंसर होगा वो चौथा सही होगा, ठीक है, ट्राईफेनिलएमीन। इसके बाद में 61 प्राइमरी एमीन, ये कार्बिलएमीन टेस्ट है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या है 62, 62 का दूसरा सही है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 जो है इसमें होगा आंसर सही हेक्सेन नहीं है इसका, सॉरी आंसर होगा इसमें आपका सही जो है मोर करेक्ट चौथा सही, ये नहीं सही होगा, ठीक है, 63 में आंसर होगा आपका चौथा सही, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 64 जो है, 64 में आंसर होगा आपका चौथा सही। 65 में है आपका पहला आंसर सही SO3, और 66 में आंसर होगा आपका जो है 2-butene, ओजोन रिसेप्टर कराएंगे तो बनेगा एस्टेरॉइड। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 67 में आपका होगा आंसर दूसरा सही, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके बाद क्वेश्चन संख्या है 68 में आंसर होगा थर्ड, सभी में SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद 69 बेयर टेस्ट, एल्किन का टेस्ट होता है बेयर टेस्ट। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 70 मैग्नीशियम कार्बाइड, कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो बनाएगा प्रोपाइन। इसके बाद 71 ल्यूकास टेस्ट फॉर अल्कोहल, थर्ड सही है। इसके बाद 72 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट सही, होंस लिखा रिएक्शन एल्केलाइड बनाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 73 जो है इसमें होगा आंसर क्लेजन कंडेंसेशन, फर्स्ट सही। 74 का आंसर है चौथा सही, आइसोमर नहीं है, ठीक, इसमें 74 में आपका चौथा सही होगा। 75 एरोमेटिक नहीं है, दूसरा सही है, हेकल रूल लागू नहीं होगा। इसके बाद में 76 क्वेश्चन नंबर है आइडियल सॉल्यूशन, चौथा सही है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो और डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो होता है। 77 का आंसर जो होगा वो क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, चौथा सही है। इसके बाद 78 क्वेश्चन नंबर जो है
पीएच सॉल्यूशन जीरो होगा तो आंसर एचडी होगा, सॉल्यूशन एचडी हो जाएगा, पीएच जीरो है तो ठीक है। क्योंकि जो पैमाना होता है जीरो स्केल जीरो से लेकर 14 तक होता है, तो अगर किसी का पीएच सॉल्यूशन जीरो है तो सॉल्यूशन एचडी होगा वो। इसके बाद 79 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा आपका ए। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 80 है, 80 कोरोजन ऑक्सीडेशन होता है आयरन का। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 81, इसमें आंसर होगा आपका थर्ड। इसके बाद 82 क्वेश्चन नंबर है 82, इसमें आंसर होगा आपका जीरो, ठीक, कोणीय संवेग। इसके बाद 83 कार्बन, ये तो बायो क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आएगा। इसके बाद 84 क्वेश्चन संख्या जो है मेरे पास में, इसका आंसर आएगा 14 से ही, ठीक है। तो ये हमारे इसके बाद क्वेश्चन संख्या हमारे पास में 85, इसका आंसर होगा 14 से ही, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 86 है, 86 में आंसर है 14 से ही। 87 का जो आंसर है इसमें जो सॉल्यूशन किया है वो फार्मूला ये लगाए गए, पीएच इक्वल टू 7 प्लस पी के ए बाई 2 प्लस लॉग सी अपॉन 2 है, तो उसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 7.06। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन आंसर इसका जो होगा, चूँकि 7 है तो ये इसमें इसके करीब माना जाएगा, आंसर दूसरा सही होगा इसमें, ठीक है। 87 क्वेश्चन में विकल्प में मिस्टेक है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 88 जो होगा, 88 क्वेश्चन में जो आंसर है वो तीसरा सही है, सॉल्युबिलिटी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 89 जो है, इसमें आंसर होगा आपका जो है FCC, चौथा सही 8। 90 क्वेश्चन नंबर है, इसमें 19 क्वेश्चन होगा आंसर आपका 14 सही। इसके बाद 91 क्वेश्चन जो है, इसमें होमोजेनियस आंसर होगा 3rd सही, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिसिस तीनों एक ही जब फेज में होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या आता है आपका 92 में शॉर्ट की डिफेक्ट KCl दूसरा सही है। इसके बाद 93 क्वेश्चन संख्या है, मैग्नीशियम दूसरा सही है। जिग्नर नाटा कैटलिस्ट हाई डेंसिटी पॉलीमर बनाई जाती है, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड पहला सही है। इसके बाद में बॉक्साइट और किसका सब जानते हैं, एलुमिनियम दूसरा सही है। इसके बाद टी सेफ, ये ICR 2018 क्वेश्चन है, Cl F3 रिपीट है, कई एग्जाम पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 97, इसमें अनपे इलेक्ट्रॉन 145 यानी पहला सही है इसमें, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 98, इसमें आंसर होगा आपका चौथा सही, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, जिसमें अनपेयर ज़्यादा होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या आपके पास में हम लोग देख रहे हैं 99 क्वेश्चन नंबर है, 99 सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती नीचे जाने पर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी केवल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या है आपकी 100 केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर होगा 3rd से ही। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ O2 प्लस का आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ठीक। तो ये हमारे हो गए केमिस्ट्री के आंसर। हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं मैथ्स के आंसर की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 3rd, 101 क्वेश्चन नंबर है मैथ में। 101 का आंसर होगा आपका पहला से ही, फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 102 का जो आंसर है वो दूसरा सही है, 103 का है पहला सही, फर्स्ट। इसके बाद 104 नंबर जो है इसका आंसर है चौथा सही, ठीक है, चौथा सही है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 105 जो है मैथ में, इसका आंसर होगा पहला सही, फर्स्ट। 106 का आंसर है चौथा सही। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 107 जो है वो दूसरा आंसर सही है। 108 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है पहला सही, फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन संख्या जो है 109 है, इसमें आंसर मोर करेक्ट है आपका थर्ड, ठीक है, तीसरा सही भी है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 110 जो है उसका आंसर है आपका सेकंड, रूट टू। क्वेश्चन 111 जो है उसका आंसर है चौथा सही। 112 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है पहला सही। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो आपके विकल्प दिए गए हैं इसमें आंसर आएगा √5/4, तो इसमें आंसर होगा पहला सही, ठीक है, इसमें आंसर जो होगा वो होगा पहला सही, ठीक। चूँकि आंसर आएगा √5/4, यहाँ पर रूट नहीं है, मिस्टेक है, तो आंसर होगा पहला सही। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 113 जो है उसमें आंसर होगा थर्ड। 114 क्वेश्चन नंबर का आंसर फर्स्ट।
115 क्वेश्चन नंबर का आंसर है सेकंड। इसके बाद 116 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा चौथा सही। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 117 का आंसर होगा तीसरा सही थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 118 आंसर होगा इसमें तीसरा सही 18। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 119 आंसर होगा चौथा सही। 120 का दूसरा सही है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 121 ये चौथा सही है। 122 में दूसरा आंसर सही है। इसके बाद 123 क्वेश्चन नंबर में आपका आंसर होगा चौथा सही। 124 क्वेश्चन नंबर में आंसर होगा इसमें तीसरा सही है थर्ड। 125 क्वेश्चन नंबर में जो आपका आंसर है वो है फर्स्ट 9/2। और 126 क्वेश्चन नंबर में जो आंसर है आपका 126। 127 क्वेश्चन में जो आंसर होगा आप चौथा सही है। 128 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका थर्ड सही। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 121 पहला सही है। इसके बाद 130 पहला सही है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 131 आंसर होगा चौथा सही। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 132 इसमें आंसर होगा पहला सही फर्स्ट। इसके बाद 133 क्वेश्चन नंबर है इसमें आंसर होगा दूसरा सही दीर्घवृत्त। इसके बाद 134 क्वेश्चन नंबर होगा इसमें चौथा सही। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 135 है इसका आंसर होगा तीसरा सही। क्वेश्चन संख्या 136 आंसर चौथा सही है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन संख्या आपका 137 है इसमें आंसर होगा आपका चौथा सही 3/8। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 138 है इसमें आंसर होगा दूसरा सही। इसके बाद 139 है आंसर होगा दूसरा सही। इसके बाद 140 क्वेश्चन नंबर है आंसर होगा पहला। 141 का है चौथा फोर्थ सही है। इसके बाद 142 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा दूसरा सही। 143 का जो आंसर है वो होगा इसमें दूसरा सही है जीरो। और इसके बाद में 144 का जो आंसर है 44 में थर्ड विकल्प सही। इसके बाद 145 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो चौथा सही होगा। 146 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है 146 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है आपका मोर करेक्ट वो है आंसर तीसरा सही है ठीक है। इसके बाद 147 का जो आंसर है वो दूसरा सही है ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 148 का जो आंसर है वो चौथा सही है π/4। और 149 का जो आंसर है वो चौथा सही है यहाँ पर ठीक है। मैथ का लास्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आपका 150 का तीसरा सही ठीक है। तो ये हमारे जो है आंसर हो गए हैं टोटल मैथ ग्रुप में। तो आप सभी लोग इसमें अपने अपने जो क्वेश्चन जितना स्कोरिंग किया है वह हमें शेयर ज़रूर करें कमेंट में ठीक है। हम आपको रिप्लाई करेंगे कितना स्कोर हो रहा है। और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।